मेरे मीडिया के साथियों और ह्यूमन राइट्स और सोशल मीडिया के लोग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग एक ऐसी बस्ती से आए हैं जहां सांझी विरासत अब तक फूली उखली है। सारी कौमों ने मिल के एक छोटी सी बस्ती को ग्लोबल शहर बना दिया। आज वहाँ ये हालत है कि जिस तरह से पिछले 3-4 महीने से आप लोग देख रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि उस शहर का ऐसा निज़ाम बिगड़े, और जिसकी पूरी कोशिश हो रही है। हम अभी आपको एक पूरी सर्कुलेट करेंगे, वहाँ की जो हालात हैं अभी ये तकसीम होंगे आपको। पहली बात ये कि हम लोगों ने जितनी भी 18 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बीजेपी और उनकी सहयोगी नहीं हैं, उन सबको भी वही रिपोर्ट भेजी है और उनसे उम्मीद की है कि वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। इलेक्शन जीतना ही मकसद नहीं है, इलेक्शन जीता जाता है और हार जाते हैं लोग, लेकिन अगर इस मुल्क का आईन ख़त्म हो गया तो इस मुल्क की रूह ख़त्म हो जाएगी। हमने इसीलिए उम्मीद भी की है उन लोगों से कि ये मौजू वो पार्लियामेंट में उठाएं, जो वहाँ के पूरे हालात हैं वो अभी अल्ताफ़ साहब आपको बयान करेंगे, और हमारे सारे साथी जो यहाँ हैं, हमारे शहजाद साहब हैं जो एक सालों साल से जुद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे प्रजापति जी भी आए हुए हैं। इनको मैंने देखा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन किया वहाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एक वो मोमेंटम दिया, और जिसमें कहा कि आप मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं को आपको देनी पड़ेगी, और उसके लिए एहतजाज किया। इसी तरह से हमारे दया सिंह भाई बहुत एहसानमंद हैं। हम पूरे गुड़गांव के नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि हज़ारों लोगों के दिलों की आवाज़ बन के उठे जब इन्होंने अपने गुड़गांव के गुरुद्वारे में कहा कि आप लोग अपनी नमाज यहाँ अदा कर लें। इनके साथ जो कुछ जुल्म वो लोग कर रहे हैं और इनको जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, ये खुद आपको बताएंगे। अक्षय यादव जी ने एक सबूत दिया था सांझी विरासत का, अपनी जगह दी। आज उनका भी आलम है कि वो इस वक्त गुड़गांव में नहीं हैं, उनको इतना परेशान किया गया है। इस तंजीम ने जो यहाँ गुड़गांव के लोग हैं, उसमें अल्ताफ आपको बताएंगे, जो एकता मंच के भी स्पोक्स पर्सन हैं और गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के भी स्पोक्स पर्सन हैं, अभी मैं उनसे कहूंगा कि तफसील बताएं। लेकिन हम लोगों ने जो कार्रवाई कर सकते थे, जिन लोगों ने ये दंगाइयों ने हंगामे मचाए और हमारी जगहों पे जाके कहीं गोबर डाल दिया और कहीं पर ट्रक खड़े कर दिए, हमने कंप्लेंट्स की, आज तक FIR लॉज नहीं हुई है। ये सारी तफसील आपको हमारे वो देंगे। मैं चाहता हूँ कि अल्ताफ़ साहब आप आके इसको बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का यहाँ पर आने का। हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं गुड़गांव में जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए, और मैं याद दिलाना चाहूँगा आर्टिकल 25 हमारे संविधान का, जो हमें हक देता है, राइट्स देता है टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, यानी कि हम अब जो भी मज़हब से हैं हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं, और हम अपने मज़हब के हिसाब से अपने फेथ को, अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जानना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल, हम तो आपको हक देते हैं,
लेकिन जिस तरीके की गुड़गांव में तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, हम देखते हैं कि ये अटैक है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, अलग अलग जगह पे अटैक हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रहार हो रहा है, ये असल में ऑपरेशन हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ फिलहाल गुड़गांव में, माइनॉरिटी जो एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी है हिंदुस्तान की। बहुत सारे साथी पूछते हैं भाई खुले में नमाज क्यों पढ़नी है, आप घरों में पढ़ लीजिए, क्या ज़रूरत है घर में बाहर आके पढ़ने की, और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा मुसलमान मज़हब के हिसाब से 5 बारी उनको नमाज़ पढ़नी चाहिए दिन में, कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ ना पढ़ें, लेकिन मज़हब के हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए और वो पढ़ते हैं 5 बारी अपने घरों में मस्जिद में। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मस्जिद में या साथ में खड़े होकर पढ़ना ज़रूरी है, यानी कॉन्ग्रीगेशन इज नॉट अ मस्ट, साथ में खड़े होकर पढ़ना मस्ट नहीं है, आप चाहें तो अपने घर में दफ्तर में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ते हैं ज़्यादातर मुसलमान पूरे दुनिया के। लेकिन कुछ नमाजें हैं जिनको जिनके लिए कॉन्ग्रीगेशन मस्ट है अगर आपको नमाज पढ़नी है तो, नहीं तो नहीं अदा हो सकती। कौन सी नमाजें हैं? 2 ईद की नमाज हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अधा, जिसको हम आम जबान में कई बारी मीठी ईद और बकरा ईद बोल देते हैं। मीठी ईद कई लोग बोलते हैं जो रमज़ान के बाद आती है, और बकरी जो 2 महीने के बाद आती है, 2 महीने 10 दिन के बाद। तो उसमें कॉन्ग्रीगेशन यानी साथ में खड़े होकर नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। आपने अगर नहीं, आप चाहें घर में पढ़ लें, वो नमाज की अदायगी नहीं होगी। तीसरी कौन सी नमाज है? जुमे की नमाज। जुमे में आपके जितने भी साथी रहे हैं जो गैर मुसलमान हैं या जो हमारे दूसरे मजहब से भाई हैं, आपने देखा होगा लोग दोपहर में अपने लंच ब्रेक में ज़रूर जाते हैं और जाकर नमाज अदा करके आते हैं कहीं भी करीब में, मस्जिद हो या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन हो सके। तो जुमा नमाज ईद की तरह साथ में पढ़ने की का हुक्म है इस्लाम के अंदर, इसलिए कॉन्ग्रीगेशन मस्ट है। अब क्वेश्चन फिर वही उठेगा कि भाई आप खुले में क्यों पढ़ रहे हैं, आप जाइए मस्जिदों में पढ़िए अपने मस्जिदों में, बिल्कुल सही बात है, मस्जिदों में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन मुसीबत यहां पर यह है कि यहां पर गुड़गांव जो कि नया शहर बसा है और यहां पर आबादी पूरे मुल्क में हर तरफ से आई है, मुल्क ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल, वहाँ पर सारे फॉर्चून 500 कंपनीज लगभग सारे ही हैं, सारे दुनिया की कंपनीज वहाँ पर हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं, वहाँ पर लोग रिहाइश भी करते हैं और लोग दिल्ली फरीदाबाद नोएडा यहाँ से भी काम करने आते हैं। तो दोपहर में नमाज पढ़ें तो कहाँ पढ़ें? मस्जिदें तो यहाँ पूरे नए गुड़गांव में इतना लंबा चौड़ा मिलेनियम सिटी बनाया है, फ़ख्र है हमें उस बात का, सबको फ़ख्र होना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान का इतना बेहतरीन शहर गुड़गांव बनाया है। लेकिन उसमें कहीं पर कमी रह गई है लग रहा है, टाउन प्लानिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से, मस्जिदें ही नहीं असाइन की, एलोकेट ही नहीं की मस्जिदें, केवल और केवल 2 मस्जिदें वहाँ पर हैं, जिसमें कि नए गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने गुड़गांव पर अभी आऊँगा। नए गुड़गांव में एक ईदगाह बहुत पुराना है, उसके भी कुछ मसाइल हैं कि वो जगह पूरी पड़ती ही नहीं। 2004 में सेक्टर 57 में मस्जिद दी गई थी, लैंड दिया गया था सरकार की तरफ से, और उसके बाद से पहले तो एक जगह जहां पहली जगह मिली तो वहां पर बड़े सारे मुसीबतें खड़ी की गई, फिर बहरहाल दूसरी जगह दिया, वहां पर मस्जिद बननी शुरू हुई तो कोर्ट में केसेस डालने शुरू कर दिए, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और अभी सुप्रीम कोर्ट, कब से? 2006 से लेकर अभी हम 2022 में बस प्रवेश करने वाले हैं। इतना लंबा एक मस्जिद जिसमें अभी आधी कंस्ट्रक्ट हुई है, सिर्फ बेसमेंट है, 300-350 की कैपेसिटी है, वहाँ पर भी आपने परेशानी खड़ी कर दी। एक ईदगाह है वहाँ पर अलग परेशानी है कि वहाँ पर हम बिल्डिंग नहीं बना सकते और अलग अलग तरीके के वहाँ पर परेशानियां खड़ी गई कि पोजेशन नहीं दे रहे हैं, और हम वहां पर चंद कुछ तकरीबन 1000-1500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं।
लाखों की तादाद है हमारी गुड़गांव की, 5 लाख एस्टिमेट किया जाता है आज की तारीख में। पिछला सेंसस तो 2011 में हुआ था, अभी हुआ नहीं है तो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड फिगर्स 5 लाख के हैं। जाहिर सी बात है उसमें महिलाएं भी हैं जिनके लिए बाहर आके पढ़ना नहीं, उनके लिए नमाज उनके लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है, वो घरों पे अदा करते हैं नमाज, आ सकती हैं मस्जिदें पढ़ सकती हैं। एक ये भ्रम फैलाया जाता है कि औरतें मस्जिदें ही नहीं जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। आप सारे दुनिया में घूमिए और हम औरतें वहाँ पर, उनके लिए अलग से स्पेस होता है। सेक्टर 57 में एक अलग फ्लोर एलोकेटेड है डिज़ाइन के अंदर महिलाओं के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलत इल्ज़ाम कई लोग लगा जाते हैं। बहरहाल ये दो मस्जिदें जिसमें कि सिर्फ 1500 के आसपास की कैपेसिटी मिला के है, या बहुत ज़्यादा आप बढ़ें 1800 के आसपास, और यहाँ पर लाखों की तादाद मुसलमान रह रही है, तो कहाँ जाएगी? पढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सरकारी खुले लैंड थे, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से वहाँ पढ़ने लग गए। 37 चिन्हित जगह तय हुई जहाँ पर उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू की। जब पहली बार बवाल हुआ इन्हीं राइट विंग ग्रुप्स की तरफ से, 37 चिन्हित इसलिए हुई क्योंकि पहले 108 जगह पे होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कहीं दंगा ना करवा दें, हमारे लिए सिक्योरिटी देना 108 जगह तो बड़ी मुश्किल होगी, तो आप इसको लिमिट कर लें। हम लोगों ने रिव्यू करके 50-60 के आसपास हमने लिस्ट दी थी, लेकिन उन्हें और कम करवा के 60 से हमें 37 पे ले आए। बहरहाल उन्होंने जो क्योंकि हमें आश्वासन दिया था कि बाद में बढ़ा लेंगे, अभी मामले को ठंडा करते हैं, तो मई 2018 में हम लोगों ने 37 जगहों पे नमाज अदा करनी शुरू की। लेकिन उसके बाद इधर 1.5-2 साल तो लॉकडाउन में ना मस्जिदों में अदा हुई नमाज़ें, ना मंदिरों में, ना गिरजाघर में, ना गुरुद्वारे में, तो सब लोगों ने लॉकडाउन का के रिस्ट्रिक्शंस को ऑनर किया और नमाज़ें नहीं पढ़ीं। लेकिन बीच बीच में छुटमुट हरकतें होती रहीं। मार्च अप्रैल में इसी साल 2021 में इन्होंने वापस यही सब शुरू करना शुरू किया। तकरीबन 1.5 महीने के अंदर अंदर तीन जगह नमाज रुकवाईं, सेक्टर 39, सेक्टर 40, सेक्टर 43, तीन जगह नमाज रुकवाईं। चौथी जगह जब नमाज रुकवाने गए तो हमने 16 अप्रैल को FIR दर्ज की उन दंगाइयों पे जो कि यहाँ पर वायलेंस इंस्टिगेट कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, कम्युनल हारमोनी बिगाड़ रहे थे गुड़गांव पे की, और उन पे कुछ धाराएं लगाई गई और उन पे केस हुआ। उसके बाद क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अप्रैल के मिड से मई तक और उसके बाद भी जून तक काफ़ी कहर बरपा सेकेंड वेव का, तो सारी नमाजें हम लोगों ने, कम्युनिटी ने खुद ब खुद बंद कर दी थी, चाहे वो मस्जिद में हो या बाहर हो। बहरहाल मैंने आपको मार्च अप्रैल तक का बताया। उसके बाद सितंबर से, जो आपको अभी यहाँ पर प्रेस नोट भी दिया गया है, आप इसमें तफसील हैं, सितंबर से यानी पिछले 3 महीने में इन लोगों ने अलग अलग जगह पे जाके, कभी वहाँ पर हनुमान चालीसा करने बैठ जाते हैं उसी स्पॉट पे जहाँ पे नमाज पढ़नी है, और फ्राइडे के उसी 1:30 बजे के वक्त एक बारी नहीं कई बारी देखा गया, कभी हवन कर रहे हैं, कभी ये। हमको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी इंसान अपनी पूजा करना चाहे, हम उस बात को बिल्कुल ऑनर करते हैं, और हिंदुस्तान में सैकड़ों सालों से ये होते आया है कि जब कोई बड़ा त्यौहार होता है या ज़रूरत महसूस होती है, जैसे कि दशहरे से पहले हम देखते हैं कई जगह 14 दिन के लिए प्रोग्राम होता है, तो हमने देखा है कई सारे माता की चौकी या हमारी जब कावड़िया शुरू होती है और उसमें लोग चलते हैं। इसी प्रकार से मुसलमानों में जुमे की नमाज की अहमियत समझनी चाहिए कि हमें आना पड़ता है बाहर इकट्ठा खड़े होके पढ़ने के लिए, और क्योंकि ज़मीन नहीं है तो मस्जिदें नहीं हैं उतनी, इसलिए इस करके हमें खुले
जमीनों पे पढ़ना पड़ता है जो कि अब सरकार ने 2018 में चिन्हित कर दी गई। मुख्यमंत्री ने भी, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जितनी भी पॉइंट्स हैं 37 के 37, वहाँ पर किसी किस्म का अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए और सब लोगों को इस बात की इज्जत करनी चाहिए और नमाज अदा करने दें। बहरहाल जो हमारे राइट विंग ग्रुप्स हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से उस चीज़ को दिक्कत कर रहे हैं। दो और पॉइंट में छोटे छोटे रखूंगा कि हमारे वक्फ के कुछ ज़मीनें हैं जो कि वक्फ की ज़मीनों को एनक्रोच कर लिया गया है, और वक्फ की ज़मीनें जो एनक्रोच कर ली गई हैं उन पे भी कोई छुड़वाने का या उन एनक्रोच ज़मीनों को छुड़वाने का कोई भी प्रबंध नहीं किया जा रहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। दूसरा और आखिरी पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारा भ्रम फैलाया जाता है कि हम सड़कों पे पढ़ते हैं, ट्रैफिक का अवरोध करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये खुले लैंड पे होती है जहाँ पर चिन्हित हुई हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक किसी किस्म का नहीं की रुकावट होती है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा जो कहने का मकसद था और यहाँ पर आपको बात बताना था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपने मजहब के हिसाब से अपनी प्रार्थना करें, अपनी नमाज पढ़ें, और दूसरा क्योंकि हमारे पास मस्जिदें, हमें लैंड नहीं दी गई है, ज़मीन नहीं दी है सरकार ने इतने सालों में, इसलिए मुसलमान पूरा समुदाय मजबूर है कि वो अपनी नमाज खुले में पढ़ रहा है। नहीं तो हम भी पढ़ना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि हमें ज़मीन दें जो हम खरीद के लेंगे, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हम खरीद के लेंगे, खुद मस्जिदें बनाएंगे और उसमें इज्जत के साथ हम अपनी नमाजें अदा करना चाहते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ।